एवरीवन वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बताते हैं आपको कि कैसे सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ट्रेंगल ए बी सी डी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी डी, जिसमें राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी मैंने बनाया है। उसके बाद में दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतना कर लिए, अब हमको निकालना क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। तो साइन और कॉस जब हमको निकालना होता है तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है। तो हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है तो इसके पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। उससे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं किस तरह से, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवेन। गिवेन क्या क्या है वो लिख लेंगे। तो गिवेन में देखिए क्या क्या है, गिवेन में तो सबसे पहले है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच राइट एंगल्ड एट बी, ठीक, एंड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर चाहें तो यहाँ पर आप फाइंड करके लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या निकालना है, उसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी। तो इसमें देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल बी पे और ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो अगर एक एंगल राइट एंगल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। सो हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो हमको ए सी चाहिए, सो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, सो लिख लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो 7 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 576 प्लस 49 रूट अंडर 625, ठीक। इतना करने के बाद में ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो हमारा क्या मिला, यहाँ पर मिलेगा ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपका ए सी निकल गया। तो आपको ए सी भी पता चल गया कि कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन ए कॉस ए, मतलब एंगल ए से देखना है और साइन का वैल्यू निकालना है, कॉस का वैल्यू निकालना है। जब हम साइन का वैल्यू निकालेंगे तो साइन आपको पता होगा कैसे होता है, साइन पी बाई एच होता है, यानी कि इसके सामने परपेंडिकुलर बाई एच, मतलब हो जाएगा बी सी बाई ए सी। मतलब अगर हम निकालते हैं साइन ए, सो हो जाएगा बी सी बाई ए सी विच इज इक्वल टू 7/25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसी तरह से हम कॉस ए निकालें, कॉस ए, तो फिर से यहाँ पर देखेंगे फिगर में कॉस क्या होता है, बी बाई एच, तो ये तो बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो हम निकालेंगे बी बाई एच, तो हमारे सामने क्या होगा, ए बी बाई ए सी विच इज इक्वल टू 24/25, ठीक, इतना हो जाएगा। उसी तरह से ये तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, अब फिर से सेकेंड नंबर वाले में हम देखते हैं क्या करना है। सेकेंड नंबर में है साइन सी कॉस सी, मतलब निकालना साइन और कॉस ही है लेकिन एंगल चेंज हो गया है, एंगल सी से निकालना है। एंगल सी से अगर हम साइन सी निकालें तो हो जाएगा पी बाई एच, यहाँ पे तो पी हमारा क्या है, ए बी है और एच क्या है, ए सी है। तो अगर हम साइन सी निकालें यहाँ से साइन सी, तो हो जाएगा ए बी बाई ए सी विच इज इक्वल टू 24/25। और फिर अगर हम यहाँ से साइन कॉस सी निकाले, कॉस सी, तो बी बाई एच, आप देखिए एंगल सी से देखेंगे बी क्या है, बी तो ये है और हमारा एच क्या है, ए सी है, सो हो जाएगा बी सी बाई ए सी। सो कॉस सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी विच इज इक्वल टू 7/25। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।